सबसे पहले हम केक स्पंज बनाएंगे। इसके लिए आपने लेना है एक आधा कप चीनी, पौना कप मैदा, आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर, दो अंडे और 1/4 कप ऑयल। सबसे पहले हम ये दो अंडे डाल रहे हैं अंदर। साथ इसके आधा कप चीनी चली जाएगी, वो मैं अंडे फेंकने चली गई थी डस्टबिन में, ये आधा कप चीनी चली गई। और साथ इसमें आप डालेंगे वनीला एसेंस के 2 कतरे। वनीला एसेंस डालेंगे, डाल दें, ये चला गया वनीला एसेंस। मेरी बहन मुझे कह रही थी कि ये ज़्यादा डल जाता है। मिक्स करेंगे इसको। आपने इसको बीट करना है कि जब तक आपकी चीनी और अंडे जो हैं सॉफ्ट ना हो जाएं, आपको लगे कि बिल्कुल मिक्स हो गए हैं और इनका कलर थोड़ा लाइट हो गया है, तो तब तक आपने इसको मिक्स करते जाना है। मिक्स 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 मिक्स। अब इसके अंदर हमने डाल देना है 1/4 कप ऑयल। ये चला गया ऑयल। बीट 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 बीट, सारा ऑयल आपने जब तक मिक्स ना हो जाए उसको बीट करते रहना है, लेकिन आपने ओवर मिक्स नहीं करना, सिर्फ मिक्स करना है। अब आपने इसमें डाल देना है 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1/4 कप मैदा, आधे से थोड़ा सा ऊपर मैदा, और फिर इसको मिक्स करना है पहले चलाए बगैर, ताकि उड़े मत मैदा आपका। ये हो गया मिक्स मिक्स। मैंने थोड़ी वीडियो फास्ट की हुई है। मिक्स 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 होने लगा है। बस करते जाएं, बस एक जान हो जाना चाहिए सारा मैदा, और वो ये ना हो नीचे मैदा बैठ जाए। इसको बस मिक्स करते जाएं, लेकिन ओवर मिक्स नहीं करने लगे। जैसे ही आपको लगे कि मैदा उसके अंदर सारा घुल गया है, तो आपने बंद कर देना बीटर। बंद क्यों नहीं कर रही? बंद बंद। शायद 2 दफ़ा वीडियो आ गई है। ये हो गया हमारा केक का बैटर तैयार। अब हमने इसके एक पतीली लेनी है, उसके अंदर हमने लाइनिंग लगानी है बटर पेपर के ऊपर। केक ऑयल कर देना है, ऑयलिंग करके केक उसके अंदर बैटर डाल देना है। और ये चम्मच टूट गया, मतलब टूटने गया, निकल जाता है, इग्नोर करें। उसके बाद आपने इसको टैप टैप करके चूल्हे के ऊपर रख देना है। सबसे पहले आपने तवा गर्म कर लेना है तेज़ आग करके। जब आपका तवा फुल हीट हो जाएगा, आपने आग तब हल्की नहीं करनी, उसको चूल्हे पे पड़े रहने देना है और 1-2 मिनट वेट करना है कि आपकी देचकी थोड़ी गर्म होने लग जाए। तो फिर उसके बाद आपने ढक्कन दे के आग बिल्कुल स्लो पे कर देनी है। ये आग हम करेंगे स्लो पे, वेट करने के बाद ये आग हमारी बिल्कुल स्लो पे हो गई। अब हमने इसको 30-35 मिनट्स बाद एक दफ़ा देखना है। ये मैंने देचकी का ढक्कन उठाया और ये भी पता लग रहा है कि ये केक कच्चा है अभी, इसलिए वापस बंद कर दिया वैसे ही, और ये इसके ऊपर वापस वेट रख दिया ताकि कहीं से भी हवा ना निकल सके। अब फिर 10-15 मिनट बाद दोबारा इसको देखना है। ये मैं बीच में एक दफ़ा पहले भी देख के गई थी, इसकी वजह से इसके अंदर छुरियों के निशान है। जैसे ही इसने अपने किनारों से अपने आप को छोड़ दिया, तो समझ लें कि केक आपका रेडी है। ये देखें, छुरी बिल्कुल साफ आ रही है। अब आपने कर देनी है आग बंद। ये केक आपका तैयार है, आपका स्पंज बिल्कुल रेडी। ये देखें, स्पंज मेरा रेडी हो गया। देचकी से निकाल लिया, इसका बटर पेपर उतार दिया,
अब इसके अंदर हमने एक केक देखें कैसा बना है, बेहतरीन। अब इसके अंदर आपने फोक से सुराख कर देने हैं, इतने छेद करें इतने छेद करें। अब इसके लिए आपने बनाना है मिक्सचर। आपने ये 200 ml का जो क्रीम आती है, 100 ml क्रीम ले लेनी है इसमें से, मतलब आधा डब्बा क्रीम का, आधा कप चीनी, आधा कप से ज़्यादा मत लेना, बहुत मीठा हो जाएगा, और एक कप दूध आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। उसके बाद इसको मिक्स करना है, मिक्स 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 मिक्स। ये मिक्स क्यों नहीं हो रहा, ये बहुत देर लंबी वीडियो है, ताकि आप लोगों को समझ आए कि मैं किस तरह से डिटेल्ड रिव्यू आपको बता रही हूँ कि किस तरह से बनाया जाता है केक। ऐसे एक दो मिनट की वीडियोस देख के नहीं कभी भी केक बनाए जाते, लंबी लंबी वीडियोस देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि केक कैसे बनता है। बस मिक्स होने लगा है, ये मिक्स हो गया और इसको आप फ्रीज़र में रख दें थोड़ी देर ठंडा होने के लिए। अब आप अपनी विप क्रीम की टॉपिंग बना लें। ये मैंने विपे विप की ली है क्रीम, हाफ़ कप क्रीम इसके लिए बहुत होगी, इस केक के लिए हाफ़ कप क्रीम है। ये पहले ही बहुत क्रीम मीठी होती है, इसलिए मैं इसमें शुगर ऐड नहीं करती। अगर आपका दिल करे तो आप बीट करने के बाद इसमें शुगर ऐड, थोड़ा सी बीट करें फिर शुगर ऐड करें, लेकिन मैं इसके अंदर ये एवरीडे मेरे पास था ये डालती हूँ। इससे आपकी ना क्रीम बहुत अच्छी फ्लफ हो जाती है। इसको अब आप करेंगे बीट 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 बीट, ये अच्छी तरह इसको आपने बीट कर लेना है। जितना ज़्यादा बीट करेंगे उतना फ्लफ आएगा, और अगर आपका ना आ रहा हो फ्लफ तो आप ऐसे ही डब्बा उठना उठा के थोड़ी देर फ्रीज़र में रखें, क्रीम ठंडी हो जाएगी तो फिर उसको बीट करें। अब हम बनाएंगे कैरेमल सॉस। ये हमने 5 tablespoons शुगर लेके चूल्हे के ऊपर हल्की आंच पे रख दी है। कोशिश कीजिएगा लगे मत, क्योंकि एक दो दफ़ा पहले शुरू शुरू में बनाने बनाते कैरेमल लग जाता होता है, हिलाते रहें उसको कि कैरमल ना लगे आपका। ये चीनी पिघल गई आपकी, तो अब आपने इसमें डाल देना आधा कप पानी, और ये पानी डाल गया आप, ये मेरा चम्मच उसके साथ चिपक चुका है, क्योंकि मैं अपने किचन में नहीं थी इसलिए मुझे आदत नहीं है इस तरह की चीज़ों की। ये चम्मच चिपक गया, इंतज़ार करें, अब आपने देखना है। ये देखें चम्मच चिपका हुआ, उतारा है उसके अंदर, और ये नीचे वट्टा सा बन गया गंदा सा। आग आपने ज़रा सी तेज़ कर लेनी है और इसको हिलाते जाना है, हिलाते जाएं हिलाते जाएं हिलाते जाएं। ये देखें अभी ये पिघल रहा है, सारी चीनी पिघल के वापस पानी बन जाएगा, पानी पतला बिल्कुल हो जाएगा, सब कुछ मिक्स हो जाएगा। ये देखें थोड़ा सा और टाइम वेट करना है। ये अब देखें बॉयल्स आने लग गए हैं ना इसके अंदर, ये देखें जी ये बॉयल्स आ गए, मिक्स हो गया, मिक्स 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 अच्छी तरह। जब सारी चीनी पिघल जाए, ये देखें, इसके बाद आपने बाकी का हाफ कप जो है ना पैकेट क्रीम का इसके अंदर डाल देना है। मिक्स करना है, मिक्स 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 मिक्स, और अब इसको इतनी देर पकाना है मतलब कि पायों की तरह नहीं पकाना, लेकिन काफ़ी टाइम लगता है कि थोड़ी आग तेज़ करके। अब इसको पकाते जाएं, इतनी बेहतरीन सॉस ये बनती है, बहुत ज़्यादा टेस्टी, कि मैं थोड़ी सी बात के लिए बचा लेती हूँ बाकी चीज़ों के साथ खाने के लिए। ये बॉयल्स आके ना बाहर भी आ सकती है, अगर आप छोटे बर्तन में बनाएंगे तो ये बाहर आती रहेगी, तो कोशिश करें कि थोड़े बड़े बर्तन में बनाएं। ये देखें ये अब कलर चेंज हो गया इसका, और पकाएं। ये पकने के बाद गाढ़ी होती जाएगी, ये इसके बाद इस कलर में आ जाएगी। अब आपने असेंबल करने हैं ये सारे स्टेप्स। सबसे पहले अपने केक को उस मिक्सचर के अंदर सोक कर दें अच्छी तरह से, उसके ऊपर सारा डाल दें, थोड़ा नीचे से गोल सी प्लेट लेना, नहीं तो ये सारा मिक्सचर जो होता है बाहर गिर जाता है।
इसके बाद विप क्रीम ऊपर डालनी है, विप क्रीम सारी इसके ऊपर गिरा लें। ये विप क्रीम आपने बीच में गिरानी है और उसके बाद उसको साइडों पे निकालते जाना है। ये मैं अभी आपको अगली वीडियो के अंदर दिखाऊंगी। ये आप केक के ऊपर लगा दी सारी विप क्रीम, सारी विप क्रीम बीच में आपने ऊपर डाल देनी है सेंटर में, और फिर बीच से उसको साइडों पे फैलाते जाना है। स्पैचुला हो आपके पास, कोई भी चीज़ हो, चम्मच हो, उसके साथ आपने इस तरह इसको बाहर की तरफ फैलाते जाना है। अगर आपको वीडियो में थपकने की आवाज़ आ रही है तो मैं अपनी बेटी को सुला रही हूँ साथ। ये हमारी विप क्रीम से सारा केक हमारा कवर हो गया, हो भी जाओ, बस होने लगा है। अच्छी तरह से कवर करें इसको। ये हमारा केक कवर हो गया जी बिल्कुल। अब इसके अंदर मैंने डिज़ाइन बनाने की नाकाम कोशिश की थी, 5 मिनट्स क्राफ्ट में कुछ देखा था या कुछ देखा होगा नेट पे, जो भी था, बस डिज़ाइनिंग करनी है जैसे आपका दिल करे मर्ज़ी करते रहें। ये मेरी डिज़ाइनिंग थी, मेरा केक था, मेरी मर्ज़ी थी। ये हमारा केक हो गया जी रेडी, बिल्कुल रेडी। अब आपने इसके बाद लेना है 1 कप, उसके अंदर आपने डाल देना है एक साफ लफाफा, बिल्कुल होता है ना शॉप पर, वो उसके अंदर डाल के आपने कैरेमल सॉस को उसके अंदर डालना है। ये हम देसी पाइपिंग बैग बनाने का तरीका आपको बता रहे हैं। ये हमारा बन गया देसी पाइपिंग बैग, और ये हमने इसको आगे से कट लगाया छोटा सा, बिल्कुल छोटू सा कट लगाना है। और उसके बाद ये केक के ऊपर पाइपिंग बैग से आपने कैरेमल सॉस की पाइपिंग कर देनी है। ये पाइपिंग 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 जैसे आपका दिल करे मर्ज़ी इसके ऊपर डिज़ाइन करें, जो मर्ज़ी करें आपका केक होगा। और टेस्ट की मैं गारंटी दे रही हूँ आपको, बहुत मज़ेदार, इंतहाई ज़्यादा टेस्टी। लेकिन इसको ठंडा करके खाना है, मतलब कि आपने थोड़ी देर कम से कम आधा घंटा इसको फ्रिज में रखना है, आधे घंटे से भी ज़्यादा। ये मेरी बहन इसके ऊपर अपनी आर्टिस्टिक दिमाग लगाते हुए ये उसने, और उसके बाद ये हमने डेरी मिल्क बची हुई इसके ऊपर लगा दी है। ये देखें जी, जो कि जिसकी बर्थडे थी उसने सबसे पहले उठा के खा ली सारी। ये डेरी मिल्क लग गई, और ये देखें। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट्स में भी बताएं और शेयर भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।